सारा खान कुकिंग। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली। और आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने साबूदाने लिए हैं जो पहले से भिगो कर रखे थे। मैंने इसको ज़्यादा भिगो कर नहीं रखा, सिर्फ आधा घंटा भिगोया था। और हमें इसको ज़्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ एक ही खोल आएगी इसमें और हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें वो अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी आप देखिए इसमें खोल आ गई है, अभी हम इसको निकाल लेते हैं। अभी एक कढ़ाई में हम दूध लेंगे, दूध को अच्छे से पकाएंगे, इसको चलाते रहेंगे। अभी हम कस्टर्ड लेंगे, एक चम्मच हमने कस्टर्ड लिया है और इसमें पानी डाला है और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। अभी जो हमने साबूदाना उबाल कर रखा था अभी हम वो इसमें डालेंगे। और अच्छे से इसको मिलाएंगे और जो कस्टर्ड बनाया था वो भी डाल देंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक मिनट और पकाएंगे, फिर इसके बाद गैस को बंद कर देंगे। और अभी हम इसमें शक्कर डालेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच शक्कर लिए क्योंकि हमको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं और हमारे घर में मीठा बहुत कम खाते हैं सब लोग। अभी हम यहाँ पर फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सेब लिया है और यहाँ पर केले लिए हैं। आप अपनी पसंद से जो भी फ्रूट आपको अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने अंगूर लिए हैं। और अभी हमने यहाँ पर अनार डाले हैं और फिर इसको मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। और अभी हम एक ग्लास में इसको निकालेंगे, पर ये ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाया था, फिर हमने इसको निकाल दिया। अभी हम इसमें ऊपर से अनार डालेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।